तस्वीर की उम्मीद हर किसी को थी। करीब करीब हर कोई जानता था कि आज नहीं तो कल हिमाचल कांग्रेस के बागी बीजेपी में ही जाएंगे और आखिरकार कांग्रेस से बगावत के 26 दिन बाद उन्हें बीजेपी का पटका पहना दिया गया। शनिवार को करीब 1 बजे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सभी बागियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया और कांग्रेस और हिमाचल की सुक्खू सरकार पर हमला बोला। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। 6 माननीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये जो जिनका जिक्र, जिनका परिचय आपके सामने हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर रहे और कई बार के विधायक रहे, ऐसे अधिकांश लोग यहां पर भी हैं। और नई ऊर्जा देने वाले जो नौजवान भी हमारे साथ में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। स्वाभाविक रूप से जो घटनाक्रम घटित हुआ है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए है। जो कार्यशैली, काम करने का तरीका, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में, ना जनता खुश है, ना कोई व्यक्ति खुश है, ना कांग्रेस का कैडर खुश है, ना कांग्रेस के नेता खुश है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर धर्मशाला से जीते सुधीर शर्मा, सुजानपुर से चुनकर आए राजेंद्र राणा, बड़सर से विधायक बने इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलैहड़ से जीते देवेंद्र भुट्टो, लाहौल स्पीति से चुनकर आए रवि ठाकुर और गगरेट से सबसे कम उम्र के विधायक चुने गए चैतन्य शर्मा ने बीते 27 फरवरी को कांग्रेस से बगावत कर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया था। क्रॉस वोटिंग के साथ ही सभी पर बजट सत्र में पार्टी व्हिप के उल्लंघन का आरोप भी लगा, जिस पर कार्यवाही करते हुए स्पीकर कुलदीप पठानिया ने 29 फरवरी को इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर 6 मई को सुनवाई होनी है। उधर चुनाव आयोग ने इनकी विधायकी रद्द होने के बाद उन 6 सीटों पर 1 जून को उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया है, जहां से अब कांग्रेस के खिलाफ ये बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक सकते हैं। हम लोग जो चुनकर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए, जनहित के लिए इस पद पर पहुंचे और एक बार नहीं, कई बार लोग चुन करके आए हैं। जब प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आत्म सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती रहे, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी
का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। सिर्फ एक काम कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थिति में करती है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना। प्रदेश की जनता, हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमसे पूछते थे कि ये ऐसे से वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, इनका क्या हो रहा है। नौजवानों की बात है, नौजवानों की नौकरियां जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिए गए। और अंततः आदमी हर बात से समझौता करता, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता है, और हम सब लोग स्वाभिमानी है, ये लोग जो मर्जी बोलते रहे। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पार्टी में पूरे देश में एक पॉलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है, ये इसके पीछे आज लगता है कि कांग्रेस का हाईकमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से हुए हैं, और हमें इस बात का गर्व है। वहीं बागियों के बीजेपी में शामिल होने को कांग्रेस ने सरकार गिराने की साजिश का हिस्सा बताया और बागियों को उपचुनाव में धूल चटाने का दावा किया। देखिए, ये जो परिस्थिति हिमाचल में बनी है, इसके पीछे सारा भारतीय जनता पार्टी का खेल है। आज पूरे देश में जो भाजपा विरोधी सरकारें अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, और हिमाचल में भी ये प्रयास हुआ है। अब अगर इन 9 सीटों पे चुनाव होंगे तो हम निश्चित तौर पे हम इन चुनावों को लड़ेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। बहुत है कांग्रेस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस में प्रत्याशियों की कमी नहीं है और हम अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे और बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उसके सिंबल पर कांग्रेस के बागी उपचुनाव में जीत कर आएंगे और फिर हिमाचल में नई सरकार बनेगी जो बीजेपी की सरकार होगी। दिल्ली से रवि मिश्रा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज 18 शिमला। कांग्रेस के 6 बागियों को बीजेपी में शामिल होने के करीब आधे घंटे के बाद 3 इंडिपेंडेंट ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। और इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दिया। अभी कांग्रेस के 6 बागियों के बीजेपी में शामिल होने की खबर आई ही थी कि पता चला कि शुक्रवार को अपनी विधायकी से इस्तीफा देने वाले हिमाचल के 3 निर्दलीय भी बीजेपी में शामिल हो गए। होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जहां हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इनका स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने पार्टी की सदस्यता को छोड़कर, कांग्रेस के छक्के छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अब तिकड़ी ने, जो निर्दलीय 3 हैं, इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि शुभ अंक 9 जो पूर्णता का, सिद्धि का, संतुलन का है, द नंबर 9 रिप्रेजेंट्स कंप्लीटनेस, बैलेंस एंड परफेक्शन। तो मैं कहूंगा 6 ने छक्के छोड़ाए कांग्रेस के, तो तिकड़ी ने शुभ अंक 9 बनने में सहयोग दिया। एक विचित्र परिस्थिति, मुझे लगता है कि शायद इस प्रकार की बहुत कम देखने को मिलती है, जब चुने हुए विधायक किसी पार्टी से नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, और हमारा सौभाग्य है कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी मजबूत करने की दृष्टि से इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2022 के चुनाव में आशीष शर्मा अनुराग ठाकुर के गढ़ हमीरपुर से निर्दलीय जीते थे। वहीं कांग्रेस से बगावत कर केएल ठाकुर ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी और होशियार सिंह देहरा से लगातार 2री बार निर्दलीय जीत कर आए थे।
पिछले 15 महीनों में कोई कार्य नहीं हो रहे और हम जो इंडिपेंडेंट है, जो पिछली बार भी मैं इंडिपेंडेंट रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन 5 वर्षों में हमारे अपने विधानसभा के लिए 540 करोड़ रुपया हमें मिला, पर इस बार 15 महीनों में हमें कोई डेवलपमेंट के लिए कोई भी हमारे कार्य नहीं हुए, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा, जो राज्यसभा की सीट है, जो हमारे हर्षमाज जो हमारे बैठे हुए राज्यसभा के सांसद, जब हमने इनका साथ दिया क्योंकि ये लोकल थे, तब इस सरकार ने हमें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उसके बाद से FIR लॉन्च करनी शुरू कर दी और एक चुने हुए प्रतिनिधि के परिवारों के पर FIR लॉन्च करना शुरू कर दी, दबाव बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। और ये सारी चीजें देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम जो है त्याग पत्र दे करके हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और जो है सेवा के भाव से हम इस पार्टी में कार्य करेंगे। मगर होशियार सिंह के बीजेपी में शामिल होते ही देहरा बीजेपी में दरार दिखाई देने लगी। यहां पूर्व विधायक होशियार सिंह के धुर विरोधी बीजेपी नेता रमेश धवाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, मगर उनके बीजेपी दफ्तर पहुंचने से पहले ही गेट पर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद धवाला ने एक होटल में जाकर बैठक की और होशियार को बीजेपी में शामिल करने पर सवाल उठाए। अपनी अपनी दास्तान जो वो सुनाई है, लेकिन जिला 10 नाउ इज कस्टोडियन ऑफ देहरा जिला और उसकी इतनी वेटलिटी है कि उसने ताला लगा दिया वहां ऑफिस में, जहां इतने 7 करोड़ रुपए हमने दिया है, वहां पे पैसे सभी ने दिए हैं या पार्टी ने दिए हैं, तो उसकी क्या हिम्मत थी उस गेट पे ताला लगा देता, वो उससे भी निपटेंगे। अब उसने करनी है वर्करी, इन्होंने करनी है जो कार्यकर्ता आए हैं बूथ स्तर के, उसने करनी है। उसने गांव से वह मैं देखता हूं कितने वो एक गांव दे देते हैं उसको जब वर्करी कर जा करके, ऐसे हमारे सिर के ऊपर है ऐसे ऐसे मतलब जो बंदे थोप दिए जो आपके सामने कल क्या क्या नहीं बोल रहे थे। बताया जा रहा है कि देहरा जैसी हालत कुछ और जगहों पर भी हो सकती है, क्योंकि भले ही बीजेपी ने अपने ही नेताओं को हराने वाले बागियों और निर्दलियों को पार्टी में शामिल कर लिया हो, लेकिन जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी हो उनके लिए इनके साथ चलना उतना आसान नहीं। दिल्ली से रवि मिश्रा और देहरा से ब्रजेश्वर साकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट News 18। वहीं शिमला से रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने हिमाचल सरकार बदलने की तारीख भी बता दी। सुरेश कश्यप ने कहा कि 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद हिमाचल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। कैसे बनेगी उन्होंने ये भी बताया, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि सुरेश कश्यप लीडर हैं नजूमी नहीं, लेकिन ये सच है कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। लोकसभा के साथ साथ ये सरकार भी जाने वाली है। आज मेरे को कोई कह रहा था, मैं क्या खुद तो नींद पड़ी नहीं, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा भी इनके विधायकों ने रिजाइन कर दिया, उन 6 विधायकों ने रिजाइन कर दिया और 3 निर्दलीय में कर दिया, तो 9 लोगों ने रिजाइन कर दिया। अब ये 9 लोगों का चुनाव होगा और ये 9 लोग जीत कर आएंगे। जब ये 9 जीत कर आएंगे, 25 हमारे, 25 और 9 चौंतीस होंगे। इनके कितने हैं? इनके 34, जिसमें एक स्पीकर भी है, तो ये लेंगे 33 और हम होंगे 34। इसलिए 4 जून को एक नहीं दो दो सरकारें बढ़ेगी, लोकसभा भी बनेगी। वो जो है राजनेता है, कोई भविष्य वक्ता नहीं है। अब अगर उन्होंने वो भविष्यवाणी की है, देखते हैं कितनी सही साबित होगी। अभी तो हम उनसे भी सवाल करने वाले हैं, क्योंकि वो अभी प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम सवाल करने वाले हैं कि इन 5 वर्षों में सांसद के नाते उन्होंने अपने दायित्व का कैसे निर्वहन किया। वो कोशिशें हो रही हैं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि महाराष्ट्र में कुछ सरकार गिराई गई, आप बिहार में देखिए वहाँ भी सरकार गिराई गई, और उसी तरह से दिल्ली में षड्यंत्र चल रहा है, तो ये तो चल ही रहा है कि जो